दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होगा अगर आप एयरटेल पोस्टपेड का बिल पे ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एयरटेल पोस्टपेड लगभग एक साल तक यूज़ किया, सो मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि एयरटेल ने मेरे साथ क्या किया जब मैंने पोस्टपेड कनेक्शन का बिल पे नहीं किया। दोस्तों एयरटेल पोस्टपेड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एयरटेल प्रीपेड, लेकिन पोस्टपेड कनेक्शन का बेनिफिट ये है कि इसमें आपका डेटा रोल ओवर होता है, यानी कि इस मंथ का डेटा अगर आप यूज़ ना करें तो वो अगले मंथ में ऐड हो जाता है। साथ ही आपको डेली डेटा ख़त्म होने की टेंशन नहीं रहती है, या आपको हर महीने बिल पे करना होता है। बे डेट के 10 दिन पहले ही आपका जो बिल होता है वो जनरेट होता है, आपको 10 दिन के अंदर बिल पे करना होता है। अगर आप बिल एक या दो दिन लेट पे करते हो तो आपको यहाँ पर आपको लेट फीस चार्ज, पेनल्टी चार्ज जो कि 100-150 के बीच में होता है इंक्लूडिंग GST, वो देना पड़ता है। दोस्तों अगर आप नए एयरटेल पोस्टपेड यूज़र हो तो आप अगर आप फर्स्ट बिल ड्यू डेट के बाद भी पे नहीं करते हो तो ड्यू डेट के 10 दिन के बाद ही आपका नंबर पर आउटगोइंग सर्विसेज को बंद कर दिया जाता है, जिस केस में आपको इमीडिएटली आउटस्टैंडिंग पे करना पड़ता है और आपकी सर्विसेज शुरू हो जाती है। अगर आप एयरटेल पोस्टपेड के 2 या 3 बिल आप अपने ड्यू डेट में ही पे करते हो तो आपका एक ट्रस्ट स्कोर बिल्ड हो जाता है। इसके बाद अगर आप एक मंथ का बिल पे ना करें तो आप लेट फीस के साथ नेक्स्ट मंथ दोनों बिल एक साथ पे कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके 2 बिल्स पेंडिंग हो जाते हैं ना तो इस केस में एयरटेल आपके नंबर पर आउटगोइंग सर्विसेज को बंद कर देता है और आपको 15 दिन का टाइम मिलता है अपने ड्यूज क्लियर करवाने के लिए। अगर आप 15 दिन के अंदर भी ड्यूज क्लियर नहीं कराते हैं तो आपका नंबर परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है, फिर ना तो आपका नंबर प्रीपेड में रहता है ना ही पोस्टपेड में रहता है और ना ही उस नंबर के लिए आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ कि जब मैंने 2 बिल्स पेंडिंग हो गए तो एयरटेल ने मेरे नंबर पर सभी सर्विसेज को बंद कर दिया, इनकमिंग भी आउटगोइंग दोनों सर्विसेज बंद कर दी। और साथ ही सबसे बड़ा जो मुझे नुकसान ये हुआ कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के नंबर भी सस्पेंड हो गए। मेरे फैमिली मेम्बर्स के नंबर जो कि मेरे पोस्टपेड प्लान में ऐड हुए थे वो सभी नंबर भी बंद हो गए। आपके साथ फ्रेंड्स ये सब ना हो इसलिए आप अपने ड्यूज बिल डेट के अंदर ही क्लियर करवाएं। अगर आप पोस्टपेड अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप प्रीपेड में स्विच करें।